नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता था कि मध्य प्रदेश में नहीं पूरे इंडिया में रोजगार सहायक की वैकेंसी जल्द ही निकलने वाली है, तो आप सभी का जो है वो इंतज़ार खत्म हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास एम नरेगा पोर्टल पर रोजगार सहायक भर्ती से रिलेटेड अपडेट हमारे पर आ चुका है, जिसके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। पर ये आपको बता दें कि इसमें ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है, उसकी पूरी वैकेंसी की डिटेल आप कैसे निकाल सकते हैं उसकी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले वैकेंसी की डिटेल जानने से पहले, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिससे आप ऑनलाइन डायरेक्ट पोर्टल पर जा सकते हैं। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको करेंट जॉब ओपनिंग का एक ऑप्शन देखने को जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोजगार सहायक वैकेंसी पोस्ट ऑफ ग्राम। यहाँ पर मैं इसे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोजगार सहायक वैकेंसी पोस्ट फॉर ग्राम, रोजगार सहायक भर्ती, सैलरी 37,500, क्वालिफिकेशन 12th ग्रेजुएशन और आर इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर अप्लाई फ्रॉम रोजगार सहायक ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, रोजगार सहायक फॉर्म 2024, ग्राम रोजगार सहायक, रोजगार सहायक। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल यहाँ पर वो आपको जो देखने को वो है वो मिल रही है। तो यहाँ पर हम जैसे एक पर क्लिक करते हैं ऑनलाइन आवेदन के लिए, तो यहाँ पर आप हमारे सामने उस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हम जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, चलिए सबसे पहले मैं इसे हिंदी में करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप सभी को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे हिंदी कर ली है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर पद का नाम ग्राम रोजगार सेवक भर्ती के लिए रोजगार सेवक रिक्त पद, वेतन 37,500, योग्यता 12वीं, स्नातक या इच्छुक उम्मीदवार रोजगार सहायक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद संक्षिप्त जानकारी, ग्राम रोजगार सहायक सेवक ऑनलाइन भर्ती 2024 को हाल ही में रोजगार सेवक रिक्त 2024 के भर्ती के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में आमंत्रित किया गया है। जो उम्मीदवार निम्नलिखित रिक्ति के इच्छुक हैं और पात्रता मापदंड पूरा करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले नियम पढ़े। नौकरी का नाम पहले हम जान लेते हैं। ग्राम रोजगार सेवक भर्ती के लिए रोजगार सेवक रिक्त पद, वेतन 37,000, योग्यता 12वीं, स्नातक या रोजगार सेवक के आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप खुद, अगर उम्मीदवार अगर आप खुद अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते तो हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कुल रिक्तियाँ मतलब कितने पद खाली है, तो 80,560 इसके पद खाली हैं। पूरे एमपी की नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे इंडिया की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। नौकरी के लिए आयु सीमा जो है वो 18 से 42 साल आपकी रहेगी। किस राज्य में यह नौकरी निकली है, तो अलग अलग राज्य में नौकरी निकली है, जैसे पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन, दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, कैनमोर, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर। तो यहाँ पर जो आपको जो है वो राज्य देख लेंगे। सभी अलग अलग राज्य में अगर आप दूसरी नीचे वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप दूसरे पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर अलग राज्य देखने को मिल जाएंगे। शुल्क जो आपको 990 रुपये आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय शुल्क देना पड़ेगा। अंतिम तिथि इसकी जो है 25 फरवरी 2024, जो कि यहाँ पर हाँ दोस्तों निकल चुकी है, ठीक है, इसकी अंतिम तिथि जो है वो निकल चुकी है। हम दूसरा यहाँ पर कोई सा देख लेते हैं, तो मान लीजिए हम इसका यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर 25 फरवरी है जो कि आज ही लास्ट डेट है। अगर आप आज ही इस वीडियो को देख रहे हैं, वैसे तो इसकी मेरे पास बहुत दिन पहले जानकारी लग चुकी थी, पर मैं मुझे टाइम के कारण वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे ज़रूर जल्दी से ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ पर कर सकते हैं। वेतन सुविधा का यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिक्षा क्या लगेगी, 10वीं 12वीं लगेगी, चयन क्या रहेगी, साक्षात्कार के आधार पर रहेगा, आवेदन केवल पात्र उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। भर्ती के लिए उम्मीदवार को सभी राउंड के लिए अर्हताएं प्राप्त करनी होगी। यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऑनलाइन जो है वो फॉर्म खुलकर ओपन हो जाएगा। राज्य चुनना है, नौकरी के लिए जिला चुन लेना है, जैसे कि हम यहाँ पर चुन लेते हैं हमारा कहाँ गया, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर हम जैसे कि कोई सा भी जिला एक चुन लेते हैं, मध्य प्रदेश चुन लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर हम जिला सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर हरदा सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, हरदा में है,
उम्मीदवार का नाम डाल देना है, पिता का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता, पिन कोड, लिंग, विकलांग अगर आप हैं तो, कृपया धर्म चुनिए, वैवाहिक स्थिति, डीडी जो कि आपको डीडी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एमएस आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी श्रेणियाँ, ये सभी आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको संपर्क जानकारी देख लेना है, उसके बाद शिक्षा का विवरण भरना है, संदेश लिख देना, और यहाँ पर जैसे ही जारी रखे पर क्लिक करेंगे आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर और रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट पेमेंट इसमें कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, मुझे माफ़ करिए आपको देरी से बताने के लिए, एक ही दिन आपके पास बचा है, अगर डेट बढ़ती है तो यहीं पर आपको अपडेट मिल जाएगी। तो जल्दी से अपना ऑनलाइन आवेदन आप यहां पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए अपने भाई को। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।